गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा रॉकेट स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। वेलकम टू रॉकेट स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हमने जो सीरीज शुरू कर रखी थी वो हमने शुरू कर रखी कि सैनिक मिलिट्री नवोदय के लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन है उनके अंदर लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो हम करते हैं, ठीक है। और वो भी हम कैसे कर रहे हैं, टॉपिक वाइज। तो इससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स किए हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज नंबर सिस्टम, ठीक है। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। कौन सा टॉपिक है बेटा? एलसीएम एंड एचसीएफ के जो लास्ट 10 ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम पढ़ेंगे। लास्ट 10 ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एलसीएम एचसीएफ टॉपिक से, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जो एग्जाम में आपसे ना पूछी जाए, ठीक है। देखिएगा एलसीएम एचसीएफ रॉकेट स्टडी क्लासेस मैथ्स बाय संजीव सर। टॉपिक का नेम है बेटा एलसीएम और एचसीएफ। टॉपिक का नेम क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के अंदर समझिएगा, एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ी सी डिटेल से अगर मैं बात करूं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। देख बेटा, इस सीरीज को करने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पहले जो आपके पास जिस भी आप टॉपिक को कर रहे हैं पहले वो आपको डिटेल में पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके बाद आप इन क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए एलसीएम क्या होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि वह छोटे से छोटा नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर जिनसे सभी नंबर को क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मैं आपसे कह दूं बेटा 5, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, ऐसा नंबर बताओ कि जिसमें 5 का भी डिवाइड हो जाए, 10 का भी और 20 का, लेकिन स्मॉल होना चाहिए, तो वो क्या है, 20 ही है। देखो 20 में 5 का भी डिवाइड जा रहा है, 10 का भी और 20 का भी, तो मतलब एलसीएम तो क्या होगा, 20। लेकिन एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ वह ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सबको डिवाइड कर सके। तो 5 से देखो 5 भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से 10 भी और 5 से 20 भी, इसका मतलब HCF क्या होगा बेटा, 5 होगा। HCF क्या होगा, 5 होगा। तो आपको LCM और HCF के बारे में डिटेल सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि LCM क्या होता है। LCM वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे जिसमें इन सभी का डिवाइड हो सके, और HCF वो ग्रेटेस्ट नंबर जिससे इन सबको डिवाइड कर सके। तो 5 से ऐसा कोई ग्रेटेस्ट नंबर है ही नहीं कि जिससे इन सबको डिवाइड कर दे, क्योंकि 5 से ग्रेट होगा तो फिर 5 में ही नहीं जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। देखिए फाइंड द, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ 75, 90 एंड 125। एलसीएम ऑफ 75, 90 एंड 125। अब देखिए बेटा इन तीनों में किसका डिवाइड जा रहा है, 5 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 वन जा 5, 2 बच गया, 5 5 जा 25, 5 वन जा 5, 4 बच गया, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। दोबारा फिर 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 18 में डिवाइड नहीं जाता, छोड़ दीजिए, 5 5 जा 25, क्लियर है। अब हम 3 का डिवाइड कर लेते हैं, 3 वन जा 3, 3 6 जा 18, 5 में डिवाइड नहीं जा रहा है, अब छोड़ सकते हैं। अब देखो 6 और 5 दोनों ही को प्राइम नंबर है, आपस में किसी से डिविजिबल नहीं हो, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इन दोनों की भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करते तो 5 5 जा 25, 25 3 जा होता बेटा 75, मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे होता 30, तो 75 की 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 कैरी आ गया 1, 7 3 जा 21 और 1 22, और बेटा एक जीरो आपके पास बची हुई है, तो आंसर आएगा 2250। आंसर क्या आएगा, 2250 आंसर होगा, क्या होगा बेटा, 2250 आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा, 2250 आंसर हो जाएगा, क्लियर है। दोबारा फिर से समझिएगा, 75, 90, 125, 5 से तीनों में डिवाइड जा रहा है, 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 2 आ गया, 5 5 जा 20,
फाइव वन जा फाइव फोर आ गया, फाइव एट जा फोर्टीन, फाइव टू जा टेन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, एटीन में डिवाइड नहीं जा रहा, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, थ्री से डिवाइड करेंगे, थ्री वन जा थ्री, थ्री सिक्स जा एटीन, फाइव का फाइव, सिक्स और फाइव को प्राइम नंबर है तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बेटा, वैसे तो प्रोसेस तो ये होता है नीचे वन 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 आना चाहिए, लेकिन को प्राइम नंबर है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई थ्री ट्वेंटी फाइव, मल्टीप्लाई थ्री सेवेंटी फाइव, सिक्स मल्टीप्लाई फाइव थर्टी, सेवेंटी फाइव की थर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई फाइव थ्री जा फिफ्टीन, कैरी आ गया वन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन और वन ट्वेंटी टू, तो टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी आंसर आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको नोट कीजिए, फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू फोर एंड फाइव। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जल्दी बताएंगे सभी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम, क्या निकलेगा बेटा एलसीएम, जो कि हमने अभी निकाला टू फोर और फाइव, टू का डिवाइड दे लेते टू वन जा टू, टू टू जा फोर और फाइव, क्लियर है बेटा, टू और फाइव कैसे आ गए, को प्राइम नंबर आ गए, कैसे नंबर आ गए, को प्राइम, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव, टू टू जा फोर, फोर फाइव जा क्या आ जाएगा बेटा ट्वेंटी आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा आंसर ट्वेंटी आंसर आ जाएगा, क्लियर है, टू टू जा फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी, टू मल्टीप्लाई टू फोर, फोर मल्टीप्लाई फाइव आंसर कितना आ जाएगा बेटा ट्वेंटी, एलसीएम ऑफ टू फोर एंड फाइव, क्लियर है, वेरी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 120, 210 एंड 225, क्लियर है, देखिएगा एलसीएम ऑफ 120, 210 और बेटा 225, अब आप देखिए इन सभी के अंदर 5 का डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 टू जा 10, 2 आ गया 5, 4 जा 20, 5 फोर जा 20, 5 टू जा 10, 5 फोर जा 20, 5 फाइव जा 25, अब इन सभी के अंदर देखो 3 का डिवाइड जा रहा बेटा, 2 से भी कर सकते हैं हम, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 वन जा 2, 4 के 5 के अंदर 2 का डिवाइड जाता नहीं है एज इट इज, फिर हम 3 से कर सकते हैं या 2 से भी कर सकते हैं, 3 से कर लीजिए, 3 फोर जा 12, 3 सेवन जा, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, तो 4 7 और 15 बेटा कैसे नंबर आ गए, देखो 4 7 15 आपस में किसी से डिवाइड नहीं होते, तो 4 7 15 के लिए मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो देखिएगा 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15, ये आंसर होगा बेटा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 मल्टीप्लाई 4 120 आ गया बेटा, 120 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 7, 15 मल्टीप्लाई 7 होता है बेटा 105, कितना होता है बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 5 टू जा 10, 10 3 जा 30, 30 मल्टीप्लाई 4 होता है 120, 15 7 जा होता है 105, तो 120 की 105 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, देखिए 12 से 12 5 जा 60 और 12 बन जा 12, एक जीरो और बची है आपके पास, तो आप कह सकते हैं 12,600 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 12,600 आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12,600, देखो 12 5 जा 60 होता है तो बेटा जीरो, जीरो की जगह 6 आ जाएगा, 12 बन जा 12, एक जीरो बची हुई थी तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 12,600 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 12,600, क्लियर है 12,600 आंसर होगा, क्या होगा 12,600 आंसर हो जाएगा, क्लियर है, सबसे पहले 5 से डिवाइड किया, 5 टू जा 10, 2 बच गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 1 बच गया, 5 टू जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 45 एज इट इज, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, बेटा 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15, 5 टू जा 10, 10 3 जा 30,
30 मल्टीप्लाई 4 120 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 7 105 मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 द 60 12 1 12 तो 12600 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द एचसीएफ। अब देखिए बेटा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 16, 24 और 36 ऐसा नंबर बताना जिसमें तीनों का डिवाइड जा सके। वैसे तो आप कह सकते हैं, देखिएगा 36 में 24 का डिवाइड कीजिए, 24 बन जा 24, 6 माइनस 4 आएगा बेटा 2, 3 माइनस 2 आएगा बेटा 1, 12। ठीक है, अब जो नंबर बच गया 16 में डिवाइड कीजिएगा, 12 बन जा, नंबर बच गया 16, 12 बन जा, माइनस करेंगे आएगा बेटा 4, 4 से डिवाइड करना है 12 को अंदर ले लीजिए, 4 3 जा 12, तो जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपके पास जो एचसीएफ आया बेटा वो क्या आ गया, एचसीएफ इज इक्वल टू जो आया है वो कितना आ गया बेटा 4 आ गया। एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। क्लियर है? 24 बन जा 24, सबसे हाईएस्ट जो नंबर था उसको अंदर लिखा, सबसे हाईएस्ट नंबर को कहां रखा, अंदर रखा 36, उससे स्मॉल से डिवाइड किया, 24 बन जा 24, 12 आ गया, अब जो स्मॉलेस्ट नंबर था उसको अंदर लिखा, 12 से डिवाइड किया, 12 बन जा 12, 6 माइनस 12, 16 माइनस 12, 4, 4 12 को अंदर लिया, 4 3 जा 12, तो आंसर कितना आ गया बेटा, एचसीएफ आ गया 4, जिससे कंप्लीटली डिवाइड हुआ हो, तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 4 आ गया। आप डिविजिबल मेथड से कर सकते हैं, क्या होगा एचसीएफ इज इक्वल टू क्या जाएगा 4 आ जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 4 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 902, 1394 एंड 3321। देखिएगा आप इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं, समझिएगा, थ्री थ्री टू वन डिवाइड बाई 1394, 1394 टू पे चला जाएगा बेटा, टू वन जा टू, सॉरी 4 टू जा 8, 9 टू जा 18, कैरी आएगा 1, 13 टू जा 26, 26 और 1 20, अब माइनस करेंगे 11 माइनस 8 3 आएगा, 11 माइनस 8 फिर 3 आएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 2, 12 माइनस 7 आएगा बेटा 5। ठीक है, और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 0, 533, 902 को अंदर लिख लीजिए, 1 पे डिवाइड करेंगे 533, 12 माइनस 3 बेटा कितना आएगा 9, 9 माइनस 3 कितना आएगा 6, यहाँ पे आपके पास बच गया बेटा 8 माइनस 5 3, 369, 533 ये भी 1 पे ही जाएगा 369, 13 माइनस 9 4, 12 माइनस 6 बेटा 6, 4 माइनस 3 1, 164, 369, 2 पे चला जाएगा बेटा, 4 टू जा 8, 16 टू जा 32, 16 टू जा 32, तो आप यहाँ पे 9 माइनस 8 कितना आएगा 1, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4, 41, 164 को अंदर लिख देंगे, 41 4 जा 160, रिमाइंडर कितना बच गया बेटा 0 आ गया। तो आपके पास जो HCF आया वो कितना आ जाएगा बेटा, HCF जो होगा वो हो जाएगा बेटा 41। क्या हो जाएगा, जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाता है वहीं पे हमारा क्या आ जाता है बेटा, HCF आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, HCF आ जाता है। दोबारा फिर से ध्यान से समझिएगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर के अंदर उससे छोटे नंबर का डिवाइड करेंगे सिर्फ वन टाइम, तो 1394 को बाहर, 3321 को अंदर लिखा, 1394 मल्टीप्लाई 2788 माइनस करेंगे 533 आएगा 13, इसके बाद जो लास्ट नंबर बचा था वो बचा था 902, 902 को अंदर 1 से डिवाइड किया 369 बच गया, फिर 1 से किया 164 बच गया, फिर 2 से किया 41 आ गया,
और लास्ट में जो आंसर आया वो कितना आ गया बेटा, 41 आ गया। तो आपका जो एच सी एफ होगा वो क्या होगा बेटा, 41 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बेटा नेक्स्ट टाइप, ये तो थे सिंपल एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन। अब ये जो टाइप है ना बेटा, इस टाइप से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसके अंदर द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 60 एंड एचसीएफ इज 6, एचसीएफ इज इफ वन नंबर इज 30 फाइंड द अनदर नंबर इज। बेटा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, समझ लेना, पहले एक ही बात बता रहा हूं मैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता बेटा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद आप हर क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं इस टाइप, समझिएगा। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 60, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 60, तो एलसीएम कितना है बेटा, ठीक है, एंड देयर एचसीएफ इज 6, एचसीएफ लिख दो बेटा 6, ठीक है। इफ वन नंबर इज 30, वन नंबर क्या लिखा मैंने 30, सेकंड नंबर हमें बता, बस। आप इजीली इक्वल टू में अगर कोई भी नंबर होता है तो आप इजीली उनको डिवाइड कर सकते हैं, जीरो से जीरो, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो सिक्स टू जा ट्वेल्व, सेकेंड जो नंबर आया आपका वो कितना आ गया बेटा, ट्वेल्व आ गया। सेकेंड नंबर कितना आ गया बेटा, ट्वेल्व आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, ट्वेल्व आ जाएगा। बात समझ में आ गई? मैंने आप लोगों को बताया बेटा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो बेटा फर्स्ट नंबर आपके पास 30 है, एलसीएम 60 है, एचसीएफ 6 है, 32 जा 60, 6 टू जा 12, सेकंड नंबर कितना आ गया, 12 आ गया। मेरे साथ साथ एक बार रिपीट करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है बेटा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। क्लियर है? आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2925, इफ एलसीएम इज 195 फाइंड द एचसीएफ। वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा, आप इजीली इसको भी आंसर दे सकते हैं। देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, क्या बताया मैंने, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है बेटा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड, यही होता है ना, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो बेटा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, तो बेटा प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की प्रोडक्ट कितनी है बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई ऑलरेडी दी हुई है क्या, 2925, 2925। इफ एलसीएम इज 195 मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये तो बताना है, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा देखिए, 2925 अपॉन में 190। अब आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, देखो 5 3 जा 15 4 आ गया, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25 4 आ गया, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 39 में 85 85 का डिवाइड कीजिए, 585 डिवाइड बाई 39, 39 1 जा 39, माइनस करेंगे 18 माइनस 9, 4 माइनस 3 1, 195, 39 5 जा 9, 5 जा 45, 5 3 जा 15, 15 और 4 19, माइनस करेंगे बेटा 0, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 15 आ गया। कितना आ गया, 39 1 जा 13, तो बेटा 15 पे ये कंप्लीट कट जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 15 आंसर आएगा। तो फाइंड द एचसीएफ, तो एचसीएफ जो आया वो कितना आ गया बेटा, 15 आ गया। एचसीएफ जो आया वो कितना आ गया आपके पास, 15 आ गया। क्लियर है? अब दोबारा ध्यान से समझेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। एलसीएम है आपके पास 195, एचसीएफ मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर है आपके पास और सेकंड नंबर की जो मल्टीप्लाई है वो 2925 है। एचसीएफ क्या होगा, 2925 अपॉन में 195, पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 39 और यहाँ आएगा 585, फिर 39 से डिवाइड करेंगे, मैंने यहाँ डिवाइड करके दिखाया आपको, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 630 एंड देयर एचसीएफ इज 9, इफ वन नंबर इज 90 फाइंड आउट द अदर नंबर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, आप इजीली इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं।
मैंने बताया एलसीएम ऑफ टू नंबर, मैंने बताया आपको एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा सेकंड। फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 630, एलसीएम कितना आया बेटा 630 एंड देयर एचसीएफ इज 9, एचसीएफ कितना है बेटा 9 इज इक्वल टू वन नंबर इज 90, वन नंबर इज 90 एंड फाइंड द अदर नंबर, आपको सेकंड नंबर आपको ठीक है जी बेटा, जीरो से जीरो कैंसिल और इस नाइन से आंसर कितना आ गया बेटा 63 इज इक्वल टू कितना नंबर आ गया आपके पास सेकंड नंबर आ गया, कितना आ गया बेटा सेकंड नंबर इज इक्वल टू कितना आ गया 63 आ जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। दोबारा फिर से ध्यान से समझिएगा, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 630 एंड देयर एचसीएफ इज 9 इफ वन नंबर, तो एलसीएम की जगह 630 लिखा, HCF की जगह 9 लिखा, फर्स्ट नंबर इज 90 और सेकंड नंबर, तो बेटा 0 से 0, 9 से 9, तो आंसर कितना आ गया बेटा 63 आ गया, आंसर कितना आ गया 63 आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, द ग्रेटेस्ट नंबर That divides 38 and 68, leaving 8 as remainder in each case. देखो बेटा, greatest number की बात जब भी होगी, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, greatest number की बात जब भी होती है, तो greatest number का मतलब होता है बेटा क्या निकालना होता है, greatest number की बात होगी जब भी, तो हमेशा क्या निकलेगा बेटा HCF निकलेगा, क्या निकलेगा HCF। लेकिन smallest की अगर बात हो, इसकी बात हो, smallest की बात होगी, तो हमेशा क्या निकलेगा बेटा LCM, क्या निकलेगा एलसीएम, क्लियर है। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 38 एंड 60, 38 एंड 68, लिविंग 8 एज रिमाइंडर इन ईच केस, 38 और 68 लिविंग 8 एज रिमाइंडर इन ईच केस। बेटा 38 और 68 डिवाइड करते टाइम कितना रिमाइंडर बचना चाहिए 8, इसका मतलब हमें जो एचसीएफ निकालना है ना, वो निकालना है किस किस का, HCF निकालना है। देखो 38 में से भी 8 माइनस करो 30 का, और 68 में से भी कितना माइनस करो बेटा, क्लियर है, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा वो तो माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे HCF निकालना है 30 और 60 किसका, 30 और 60 का HCF कैसे निकलेगा, चलो 32 जा 60, तो आप कह सकते रिमाइंडर आ गया जीरो, इसका मतलब एचसीएफ क्या है 30 है। तो 30 वो नंबर है बेटा, 30 वो नंबर है जिसमें 38 में डिवाइड करूंगा तो 8 रिमाइंडर होगा, और 68 में डिवाइड करूंगा तो बेटा तो भी कितना रिमाइंडर होगा 8 रिमाइंडर होगा, 38 में अगर 30 का डिवाइड करूंगा तो भी कितना रिमाइंडर आएगा 8 रिमाइंडर, और 68 में भी अगर मैं 30 का डिवाइड करूंगा तो भी बेटा कितना रिमाइंडर आएगा 8 रिमाइंडर आएगा। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर 30 ही है जिसको बेटा 38 में से जब भी रिमाइंडर की बात हो तो बेटा हमेशा माइनस करना है, 38 में से भी 8 माइनस कर दो, 68 में से भी 8 माइनस कर दो, 30 और 60 का क्या निकाल दो, ग्रेटेस्ट नंबर की बात हुई तो बेटा एचसीएफ निकाल दो, क्या निकाल दो एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ गया 30, इसका मतलब 30 वो नंबर है कि बेटा जिसमें 38 में डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर आएगा और 68 में डिवाइड करने पे भी क्या आएगा 8 रिमाइंडर आएगा, क्लियर है, इसको भी बेटा नोट कीजिएगा। What is the LCM of two number if their HCF is 2 and the product is 112? Product is 112. ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ऐसा क्वेश्चन बार बार हर पेपर में आ रहा है बेटा, तो ये बात तो आपको पता होनी ही होनी चाहिए, समझिएगा। देखिएगा LCM of two number and their HCF is 2. LCM multiply HCF is equal to first number multiply second number. ये आपको पता होना चाहिए। LCM of two number, what is the LCM? तो LCM तो हमें बताना है। HCF is two, तो HCF two है। And their product is, इन दोनों की जो product है multiply है वो है 112। क्या बेटा? 112। तो LCM is equal to क्या होगा? आप कहेंगे 102, ये जो two है ये इधर जाएगा divide। तो 25 जा 10 और 26 जा 12, तो आंसर कितना आ गया बेटा 56 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 56 आ जाएगा।
एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर इक्वल टू में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, तो एलसीएम तो निकालना है, एचसीएफ टू गिवन है, प्रोडक्ट भी गिवन है 112, तो एलसीएम इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 56। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोट कीजिएगा बेटा इसे भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। The HCF and LCM of two number is 18 and 252 respectively. If one number is 126 and out another number, out of the another number, समझिएगा। मैंने अभी बताया HCF multiply LCM is equal to first number multiply second number. ठीक है? HCF 18 है, LCM 252 है, 18 मल्टीप्लाई 252 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज 126 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा सेकंड नंबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा सेकंड नंबर, या तो आप इक्वल टू में यही कि a डिवाइड कर सकते हैं, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 18 मल्टीप्लाई 252 ये 126 इधर आएगा तो बेटा डिवाइड में आ जाएगा और ये हो जाएगा इज इक्वल टू सेकंड नंबर, इक्वल टू क्या होगा सेकंड नंबर, 9 से डिवाइड कर देते बेटा, 9 वन जा 9, 9 फोर जा 36 और 9 टू जा 18, ठीक है, 2 वन जा 2, 2 7 जा 7 से फिर डिवाइड कर देते, 7 थ्री जा 21, 4 आ गया 7 6 जा 42, तो आंसर कितना आएगा बेटा 36 आ जाएगा, तो जो सेकंड नंबर आया है आपके सामने वो कितना आ जाएगा बेटा 36 आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 36 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, दोबारा फिर से समझिएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है बेटा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, क्या होता है बेटा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, एचसीएफ है 18, एलसीएम है 252, फर्स्ट नंबर है 126, सेकंड नंबर आपको बताना है, बेटा 126 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 18 7 जा 126 होता है बेटा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 4 आ गया 7 6 जा 40, आंसर आ गया 30। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1080 एंड देयर एचसीएफ इज 18, वन नंबर इज 216, फाइंड द अदर नंबर, फाइंड द अदर नंबर, समझिएगा बेटा, मैंने बताया एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड, और हर पेपर में पूछा गया बेटा इस टाइप का क्वेश्चन, और अब भी पूछा जाएगा, एलसीएम 1080 एचसीएफ है 18, एचसीएफ है 18, एलसीएम ये था, वन नंबर इज 216 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, आप कह सकते हैं 1080 बेटा इक्वल टू में डिवाइड कर लो ना, सीधा करने की जरूरत नहीं है, 18 वन जा 18 थ्री आ गया, 18 टू जा 36, 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 9 जा 108 90, तो सेकंड नंबर जो आया वो आपके पास कितना आ गया बेटा 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, देखो जब भी नंबर इक्वल टू में हो तो बेटा न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर को काटा जा सकता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को काटा जा सकता है। क्लियर है, तो एलसीएम 1080 एचसीएफ 18 फर्स्ट नंबर 216 सेकंड नंबर, 18 वन जा 18 थ्री आ गया, 18 टू जा 36, 12 9 जा 108 आंसर आ गया बेटा 90। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर सच दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 12 18 21 एंड 28 इट लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना, फाइंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बेटा, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर समझ लेना पहले, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होती है बेटा, ये होता 1000, क्या होता है 1000, ठीक है जी, such that when it is divided by 12, 18, 21 and 28, इन सब नंबर से क्या होना चाहिए बेटा, डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब जो नंबर इनसे डिवाइड होगा वो इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा,
तो इनसे डिवाइड होगा, वो इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। तो समझिएगा, सबसे पहले तो मैं यहां पे आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो 12, 18, 21 और 28 का क्या निकालिए बेटा, एलसीएम। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 6 जा, 2 9 जा, 21 एज इट इज 2, ठीक है। फिर बेटा 3 से डिवाइड कर देते हैं हम, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 14। फिर 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 या 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 3 7, 2 7 जा 14। फिर 7 से कर लेते हैं, 1 3 1 और 1। तो आपके पास जो LCM आ गया वो आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। तो आपके पास जो LCM आया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, इन तीनों की मल्टीप्लाई आ गई 12, मल्टीप्लाई 7 3 जा 21। तो सोल्व करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 25, तो आ गया वैल्यू आ गया 252। आ गया बेटा 252। अब देखिए 252 तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सब से क्या होता है, डिवाइड होता है। लेकिन हमें नंबर चाहिए बेटा 4 डिजिट में। किसमें चाहिए बेटा? 4 डिजिट में। मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर 1000 है मेरे पास, 1000 मैं अगर 252 से डिवाइड करता हूं मैं, तो आप कहेंगे 3 पे ही जाएगा ये, तो किस पे जाएगा? 3 पे ही। लेकिन बेटा अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट, अगर आप ऐसा भी ना करें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो 252 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा 4 से, क्योंकि आपको पता 250 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 1000 ही होता है। क्या होता है बेटा? 252 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं 4 से, तो बेटा 4 डिजिट में वैल्यू चली जाएगी। किसमें चली जाएगी? 4 डिजिट में। और मुझे किस में जाना है? 4 डिजिट में जाना है। तो 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, कैरी आ गया बेटा 2, 4 2 जा 8 और 2 10। तो 1008 जो है ना, ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जो 12 18 21 और बेटा 28 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? 28 से डिवाइड होता है। लेकिन वो कह रहा है लूज रिमाइंडर 3 इन ईच केस। अब ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन मुझे रिमाइंडर चाहिए 3, तो 3 ऐड करना पड़ेगा भाई। 1008 तो एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी कंप्लीट डिवाइड होगा, 18 से भी, 21 से भी और 28 से भी, लेकिन मुझे 3 रिमाइंडर चाहिए। तो मैं कह सकता हूं इसमें क्या करना पड़ेगा, 8 3 11। तो 1011 आपका क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर होगा जो किस किस से डिवाइड होगा, 12 से, 18 से, 21 से और 28 से भी, सभी से डिवाइड होने पे कितना रिमाइंडर देगा बेटा? 3 रिमाइंडर देगा। क्लियर है? नोट कीजिएगा बेटा इसे। सबसे पहले ऐसे केसेस में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम के बाद बेटा 4 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, उसमें भी डिवाइड करके देख सकते हैं। छोटा नंबर था इसलिए मैंने डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करके 4 डिजिट में ले आए। इसमें 3 ऐड कर देंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे ही 3 ऐड होगा तो बेटा 1011 आ जाएगा। क्लियर है? एक नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब देखो बेटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 6 डिजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो पहले एलसीएम लेंगे, किस किस का? 24 15 एंड 36 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे, 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 8 जा, 3 5 जा, 3 1 3 2 जा, ठीक है। 4 से डिवाइड कर देते, 4 2 जा 8, 5 4 3 जा 12, 4 प्राइम नंबर आ गए। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 12 मल्टीप्लाई 3 36 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा 360। कितना आ गया बेटा? 360 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होता है। लेकिन उसने कहा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होना चाहिए बेटा। कैसा नंबर होना चाहिए? ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। मेरी बात ध्यान से समझना, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है ये, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है ये। इसको 360 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करो? 360 360 3 जा 3 3 जा 900, 2 पे ही जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 720, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 7 2, 9 ले लेंगे 2700, 9 3 जा 27, तो बेटा ये आएगा 8 पे, 8 3 जा 0, 8 6 जा 48, कैरी आ गया 4, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, 24 प्लस 4 28, तो ये भी ज़्यादा जा रहा है बेटा, देखिएगा 7 पे जाएगा ये, किस पे जाएगा? 7 पे।
जीरो, सेवन सिक्स जा 42, फोर आ गया, सेवन थ्री जा 21, 21 और फोर 25, नाइन, नाइन माइनस टू कितना आएगा बेटा सेवन, सेवन माइनस टू कितना फाइव कितना जाएगा बेटा टू, यहां से ऊपर से नाइन हो गया, ये नाइन हो गया, इसके बाद देखेंगे नाइन ले लेंगे 2799, ये सत्ताईस, ये आठ पे चला जाएगा, एट पे देंगे जीरो, एट सिक्स जा 48, कैरी आ गया फोर, एट थ्री जा 24 और फोर 28, सेवन पे ही जाएगा ये, ठीक है, सेवन पे जाएगा 2520, सोल्व करेंगे नाइन सेवन, सेवन माइनस फाइव टू जीरो, फिर नाइन ले लेंगे, आपके पास फिर सेवन पे जाएगा तो ये आ गया 2520, आपके पास वैल्यू आ गई बेटा नाइन, नाइन माइनस टू सेवन और फाइव, सेवन माइनस फाइव टू, 279 आपके पास। अब देखो इसमें मैं कुछ प्लस नहीं कर सकता हूं बेटा, ये 279 अगर मैं माइनस कर दूं तो बेटा वो डिजिट आ जाएगी सिक्स डिजिट की जो इससे डिवाइड हो जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, 9999 3 और 36 माइनस कर दो 279, 0 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 2 7, 999, ये जो नंबर है ये आपका 6 डिजिट का वो नंबर है जो 24 15 एंड 36 से क्या होगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 360, 6 डिजिट का नंबर लेंगे उसमें 360 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में जो रिमाइंडर बचा है वो 6 डिजिट में से माइनस कर देंगे, तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर वो होगा जिसमें 279 को माइनस करते ही 999720 आपके पास जो आंसर आया वो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो 24 15 और 36 से क्या हो रहा है कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी बेटा नोट कीजिएगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 149 एंड 101 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच। तो बेटा ग्रेटेस्ट नंबर की बात अगर हम करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 149 एंड 101 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच, ठीक है बेटा, व्हाट इज द एग्जैक्ट ग्रेटेस्ट नंबर, इसके बाद देखिएगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 149 एंड 101 ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई 241, ठीक है बेटा। इसके बाद ये हमारे पास वो क्वेश्चन थे एलसीएम और एचसीएफ के, ये हमारे पास जो जितने भी हमने क्वेश्चन किए बेटा एलसीएम और एचसीएफ के लगभग वो क्वेश्चन थे सभी जो हम इजीली ऐसे क्रैक कर सकते थे, जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे एसएमएन सैनिक मिलिट्री नवोदय के पेपर में लास्ट प्रीवियस 10 ईयर के अंदर पूछे गए हैं। क्लियर है, ये वो क्वेश्चन थे जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर आपने ये सभी क्वेश्चन भी कर लिए तो आप इजीली अब आने वाली जो भी टाइप है वो आप आसानी से कर लेंगे, इन्हीं में से पूछी जाने वाली है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के जो जो चीजें आपको बताई जाती है वो सारी आपको करनी है। क्लियर है, बाय, टेक केयर, सी यू। इससे पहले आपने बेटा जो रिकॉर्डेड जो कोर्स है वो जरूर देख लेना है, और यहां से करने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपका नहीं हो सकता, ठीक है, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।